क्लास 8 का डिबेट आज था, जैसा आप लोग देखें SST का 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। रिजल्ट बिल्कुल बन के तैयार है, मिम्मी सर बताएंगे। विनर को एक मोमेंटो और उनके पेरेंट्स के लिए 500 रुपया फोन पे या गूगल पे या पेटीएम द्वारा हम लोग देते हैं। एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो हमने अलाउंस किया था कि हर थर्सडे को क्लास 7 का होगा और हर फ्राइडे को सप्ताह में एक दिन क्लास 8 का लेंगे और 9-10 का संडे, तो थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। 7 क्लास का थर्सडे के जगह मंडे को होगा और क्लास 8 का ट्यूसडे को होगा। तो कल तो शनिवार है, यानी कल ही हम लोग फाइनल कर लेंगे कि 7 क्लास का मंडे के दिन किस चीज़ का होगा और कौन कौन बच्चे उसमें शामिल रहेंगे, और उसके बाद आप लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। और हमेशा मंडे ट्यूसडे ही चलेगा, ऐसा इसलिए कि ये लैब होने के वजह से फाउंडेशन वाले थोड़ा उछल कूद करते हैं, और जब टीचर क्लास में रहेंगे तो उनका उछल कूद बंद हो जाएगा, क्योंकि टीचर एक गए बस दूसरा आ गए, जिससे हम लोग यहाँ क्या होता है ऊपर से डिस्टर्ब होते हैं, और मंडे ट्यूसडे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा बात ना, इस वजह से। बाकी संडे को तो बिल्कुल हम लोग फ्री रहते हैं। क्वेश्चन, खास बात डिबेट का ये था कि क्वेश्चन था 9 क्लास का और आप हैं 8 क्लास के SST, यानी एक साल एडवांस आप पढ़ रहे हैं। आपके क्लास में निश्चित तौर से 8 का सिलेबस ख़त्म हो गया होगा बिल्कुल, और 9 स्टार्ट भी हो गया, और मुझे उम्मीद है कि मार्च आते आते 9 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काम स्टार्ट है। और सिर्फ SST में ही नहीं, सब में ना, सब में स्टार्ट है। SST हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आपके साथ कि जब आप 9 में जाएंगे तो सीधे 9 ख़त्म होगा, 10 पढ़ने लगेंगे, और 9 में पूरा दिसंबर जाते जाते वो भी ख़त्म 10, और एक साल फिर बोर्ड का पूरा बढ़िया से प्रिपरेशन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं और यही तरीका हम लोग को अच्छा लगता है। आगे सर बताएंगे कि आज के रैंक वाइज कि 8 नंबर पर कौन है, उसके बाद 7 पर कौन है, इस तरह से विनर कौन है, बताइए। सो आज का डिबेट काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ था क्लास 9 का, इसलिए 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। फिर भी अगर किसी एक को विनर बनना है तो हम 8 से शुरू करते हैं। 8 पे रही रोहिनाज, 7 पे हिमांशु, 6 पे रहे जैद, 5 आशीष, 4 स्वरा, 3 अहमद इस्वा, और 2 बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। इनमें ही मुझे डाउट था कि किसको दे, लेकिन एक को ही देना है, तो सेकेंड मैंने रखा है सादगी को, और आज के विनर है प्रभात पाल। मैम, कल ही मैंने कहा था कि प्रभात पाल मैं आपको रख रहा हूँ डिबेट में, आप पार्टिसिपेट करेंगे। भाई तो बहुत प्राइज जीतता है क्लास 10 में, प्रशांत पाल, देखते हैं तुम पापा को क्या जीत के दे रहे हो, और रियली इसने जीत करके दिखा दिया। एक बार और ताली। मोबाइल नंबर यही ना, 112 ना लास्ट में। हम लोग फोन पे द्वारा इनके पेरेंट्स के लिए 500 रुपया, थोड़ा कैमरा को नजदीक कर लेंगे, इसी तरह से हम लोग का ये सिलसिला, इसी तरह से ये सिलसिला हर हफ्ता जारी रहेगा। हर हफ्ता हम लोग करेंगे, और बच्चे अगले बार कुछ दूसरे होंगे, सबको चांस देना है, सब्जेक्ट कुछ और होगा। जो जीता वो तो खैर खुश है ही, लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं किया आज
नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें। और इसके लिए आज ही सुबह मोटिवेशन में हम बता भी रहे थे कि आप हार्ड वर्क करिए, एकदम हार्ड वर्क करिए, आपको सफलता मिलेगा। हार्ड वर्क नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। आप जो चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं या सफलता के शिखर पे जाना चाहते हैं, सफल होना एक आम बात है कि मैं सफल हो गया। अरे कोई बच्चा अगर 720 नंबर का नीट का एग्जाम दिया, नीट की बात करें, डॉक्टर बनना है, 620 नंबर लाके मान लो पीएमसीएच में चल गया, लेकिन तुम्हारा टारगेट शिखर पे जाना है, यानी एम्स में चाहिए मेरे को एडमिशन, तो आप सफलता के शिखर पे तभी जाएंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने बीमारी को हटाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना है या कोई मल्टीविटामिन नहीं लेना है। बुद्धिवर्धक चूर्ण आता है बैद्यनाथ का, बहुत बच्चे या पेरेंट्स क्या करते हैं, शंख पुष्पी बाजार में देखते हैं और उसके कवर पर लिखा रहता है दिमाग बढ़ाने की औषधि। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है, इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे पास एक लड़का पढ़ता था पुराने स्कूल में, तो उसके पापा हमेशा दिमाग बढ़ाने की औषधि यानी शंख पुष्पी देते थे और ऐसा दिए कि वो कितना भी पिया लेकिन सुधरा नहीं है, और पापा को लगता था कि शंख पुष्पी दे देने से दिमाग बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, और बिल्कुल जितना देर भी पढ़े, 2 घंटा या 4 घंटा, फुल एफर्ट के साथ पढ़े, आप बेस्ट करेंगे। चलिए इसी के साथ आज खत्म करते हैं। ताली बजाइए, बहुत अच्छा किया ये। जी जी, चलिए बंद करते हैं।